खबर के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। क्लिक कीजिए बेल आइकॉन और बने रहिए हमारे साथ। देश भर में चुनाव प्रचार जोरों से चल रहा है। हर उम्मीदवार अपने प्रचार का सर्वोच्च लगा रहा है। दूसरे लोगों को पकड़ने के लिए राजकीय पक्ष ने डिटेक्टिव एजेंसी की मदद लेने की शुरुआत की है। कोई उम्मीदवार चुनाव प्रचार में पैसे बांट रहा है या उसका किसी तरह घर का धंधा चालू है, इसकी जानकारी लेने के लिए खास डिटेक्टिव का चुनाव किया गया है। इन जासूसों ने ली जाने वाली जानकारी अलग अलग प्रकार की है। उम्मीदवार अगर पैसे बांटता है तो इसके सबूत उन्हें जमा करने के लिए आदेश दिए गए हैं। उम्मीदवार चुनाव प्रचार के नाम पर एजेंडा तो नहीं चला रहे, इसकी भी जानकारी जासूसों के द्वारा की जा रही है। कहीं जगह स्वतः उम्मीदवारों से तो कहीं जगह जगह चेक पक्षों के डिटेक्टिव एजेंसी की मदद ली जा रही है। अगर ऐसा है तो भी राजकीय पक्ष ये बात कबूल करने के लिए तैयार नहीं है। लोकसभा चुनाव में सर्व राजकीय पक्षों ने अपना सब कुछ दांव पर लगाया है। देखने वाली बात यह है कि निर्णय किसके पक्ष में आता है। हर साल की तरह लगभग 15-20% का ग्रोथ हमारे बिजनेस में है। हर इलेक्शन हमारे पास काम आता है। इस बार भी हम लोग 18 स्टेट में काम कर रहे हैं। लगभग 150 से ज्यादा कैंडिडेट हैं, इनके लिए हम काम कर रहे हैं। हर बार की तरह सिर्फ मेजर एक उनकी डिमांड है कि उनके अपोजिशन में जो बंदा खड़ा हुआ है उसके ऊपर नजर रखना, और कोई रॉन्ग एक्टिविटीज कर रहे हैं, किसी को कोई ब्राइब दे रहे हैं, किसी को दारू दे रहे हैं, किसी को गिफ्ट दे रहे हैं, वो हमें कैमरे पे रिकॉर्ड करना है। वो हमारे स्पाइक करते हैं और एविडेंस के बतौर वो हम अपने क्लाइंट को दे देते हैं। उसके बाद उनका काम होता है उनको क्या एक्शन लेना है नहीं लेना है। कौन सी सर पार्टियों ने आपको हायर किया है? कोई पर्टिकुलर पार्टी है? नहीं, पर्टिकुलर लगभग हम किसी का नाम नहीं ले सकते। मेरे पास सभी टॉप से लेकर के लोअर क्लास, मतलब लोअर छोटी पार्टी तक सभी पार्टियों ने लगभग हमारी सर्विस ली है। सर ऑपोजिशन को तो आपको हायर करना ही पड़ता है क्योंकि उनके पास कोई जरिया रहता नहीं है। जो सत्ता पक्ष में उनके पास पुलिस है, सीबीआई है, सीआईडी है, कई तरह के और भी मशीनरीज है, तो क्या सिर्फ ऑपोजिशन वाले आपको हायर करते हैं? नहीं, एक्चुअली ऐसा कुछ नहीं है कि अपोजिशन करेगा या पक्ष वाला करेगा या अपक्ष वाला करेगा। हमारी लगभग सभी पार्टियों ने हमारी सर्विस हायर की है, उनको हमारे ऊपर भरोसा है और हम उनका भरोसा पूरी तरह से, मतलब सही और अच्छा काम करके देते हैं, उनका पूरे भरोसे पे हम खड़े उतरते हैं। सर थोड़ा विस्तार में बताइए कि आप काम एग्जैक्टली कैसे करते हैं और इसका फिर आपका जो कोई आपका कोई एम्प्लॉय है, कोई है, उसे किस तरह से फायदा होता है? एम्प्लॉय चीज अलग है। हमारे पास लगभग 18 स्टेट्स में काम कर रहे हैं और हमारे पास अभी इस बार स्पाइक कम पड़ रहे हैं, इतना हमारे पास काम है। और किस तरह से काम करते हैं, जनरली हमारा हर बंदे के पास गैजेट्स है, उन गैजेट्स पे हम लोग जो भी एविडेंस है इकट्ठा करके हम अपने क्लाइंट को देते हैं। फिर उसका आगे क्या कैसे इस्तेमाल होता है? वो डिपेंड कैंडिडेट के ऊपर डिपेंड करता है। जिसके लिए हम काम कर रहे हैं, जो हमारा क्लाइंट है, हम उसको दे दिया, उसके ऊपर उसको डिपेंड करता है क्या एक्शन लेता है नहीं लेता है, उसके ऊपर डिपेंड। हमारा काम 100% हम अपने जो भी रहेगा सच और गलत उसको करके दे। क्या कोई पर्सनल जानकारी करने के लिए, किसी की प्रतिमा मलाइन करने के लिए भी आपकी सर्विस हायर की जाती है, और उसका आप मतलब कैसे काम होता है? नहीं, जनरली ये चीज कॉमन है, हम हर चीज पे नजर रखते हैं। जनरली इलेक्शन टाइम पे ऐसा कोई भी कैंडिडेट जो खड़ा हुआ है गलत एक्टिविटीज नहीं करता है जिससे उसका करेक्टर खराब हो। सिर्फ वो गलत एक्टिविटीज क्या कर सकता है, किसी को ब्राइब देगा और किसी को, मतलब इलेक्शन जीतने के लिए जो हथकंडे लोग अपनाते हैं वो अपनाने की कोशिश करता है, और उस हर चीज पे हमारे नजर होती है कि हमारा बंदा जो स्पाई है उस चीज को शूट करे और हमारे क्लाइंट को निकाल के दे। सर जो रैलीज विधानसभा लोकसभा क्षेत्र में होती है वहां पर खुद इलेक्शन कमीशन के लोग रहते हैं, वो वीडियोग्राफ पूरा जो इवेंट है वो करते हैं, बावजूद इसके आपकी हेल्प लेने की जरूरत क्यों पड़ती है सामने वालों को? हमारे को हेल्प लेने के, देखो वो चीज खुले में होती है, इलेक्शन के बहुत बड़ी रैली होती है, लाखों लोग उसमें आते हैं, वहाँ हमारा जनरली कोई काम नहीं रहता है। हमारा काम रहता है जो इनबाउंड, जो अंदर जो लोग काम करते हैं उन पे हमारी नजर रखनी रहती है। सपोज कोई पार्टी का बंदा है और जस्ट एक एग्जाम्पल, बीजेपी शिवसेना ज्वाइंटली लड़ रहे हैं, कांग्रेस एनसीपी ज्वाइंटली लड़ रहे हैं, सपोज जो टिकट यहाँ पे कांग्रेस को मिलनी चाहिए थी मिल गई एनसीपी को, तो अंदर जो भीतरघात होता है उस पर नजर रखने को हमारा काम ज्यादा रहता है, या फिर वो ब्राइब वाला जो चीज आती है वो चीज ज्यादा रहता है। ठीक।
थैंक यू सर।